क्वेश्चन नंबर 41, क्या क्या दिया हुआ है? प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 एंड एज अ बैलेंस शीट ऑन दैट मिसेस चंद्रनाथ लहरी अ कंपनी एज अ दैट डे द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस. ये सब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है. क्या क्या फिगर है देखो, परचेज है 70,000 का, गुड्स रिटर्न है कितना का 5,000 का, कैरेज इनवर्ड है कितना का, तो परचेज जाएगा ट्रेडिंग में, गुड्स रिटर्न जाएगा ट्रेडिंग में, कैरेज इनवर्ड जाएगा ट्रेडिंग में, वेजेस जाएगा ट्रेडिंग में, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस, बैंक बैलेंस शीट, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, बिल्डिंग बैलेंस शीट, फर्नीचर बैलेंस शीट, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, सन्ड्री एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, सेल्स ट्रेडिंग, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, और क्या दिया हुआ है कैपिटल, वो भी जाएगा कहाँ पे, बैलेंस शीट में चलेगा. अब देखो नीचे एडजस्टमेंट आओ, क्लोजिंग स्टॉक जो भी नीचे में एडजस्टमेंट दिया रहता है वो कितने जगह जाता है, दो जगह. तो अगर इसका बात करें क्लोजिंग स्टॉक का, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक देखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, ट्रेडिंग के, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में, किस साइड में, तो दो जगह चला गया, कहाँ कहाँ गया, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में और एक बैलेंस शीट के एसेट साइड में. फिर अगर बात करें सैलरी ड्यू टू बी पेड, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग, क्या बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो पहले सैलरी के साथ ऐड होगा, क्या होगा, सैलरी के साथ ऐड होगा, और बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सैलरी बोल के जाएगा कहाँ पे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, किस साइड, लायबिलिटी साइड. अ सम ऑफ 1500 शुड बी रिटन ऑफ एज अ बैड डेट आउट ऑफ बिल्स रिसीवेबल. लास्ट डेट में हमको पता चला है कि बैड डेट हो चुका है मेरा, क्या हो चुका है, बैड डेट हो चुका है, हमको कितना का लॉस हुआ है 1500 का. तो ये जो बैड डेट है ये क्या होगा, दो जगह जाएगा, एक बार बैड डेट बोल के पीएल में चार्ज होगा, कहाँ चार्ज होगा, और एक बार बैड डेट बोल के लेस होगा, किससे लेस होगा, बिल्स रिसीवेबल से, किससे लेस होगा, कहाँ पे, बैलेंस शीट में, कहाँ पे, बैलेंस शीट में, ठीक है यहाँ तक. तारपरे ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट है, अभी तक सारा एडजस्टमेंट दो जगह जाता था, अभी तक सारा एडजस्टमेंट, ये वाला जो एडजस्टमेंट है पॉइंट नंबर 4, द फायर टुक प्लेस इन अ गोडाउन ऑन 26/12/2016, गोडाउन में आग लग गया, द लॉस ऑफ दिस स्टॉक वाज एस्टिमेटेड रुपीज 7,000, गोडाउन में आग लगने की वजह से लॉस कितना का हुआ था, 7,000 का स्टॉक जल चुका था, ये ट्रेडिंग में जाएगा, जो 7,000 का स्टॉक लॉस हुआ है वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में जाएगा. एंड द इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड द कंपनी एडमिटेड ए क्लेम एक्सटेंड ऑफ 5,000, इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है कि हम आपको 5,000 रुपये दे देंगे, जला कितना का, कंपनी देगा कितना, घाटा हुआ कि नहीं हुआ, कितना का, जो एक्चुअल 2,000 का घाटा हुआ ना वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, जो एक्चुअल घाटा हुआ कहाँ जाएगा, और जो पूरा 7,000 का लॉस है वो ट्रेडिंग में जाएगा, और जो 5,000 रुपये मिल जा रहा है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में. तो तीन जगह जाएगा, कहाँ कहाँ बोले हम, पहले तो एक्चुअल लॉस जो हुआ है, लॉस बाई फायर, लॉस बाई, वो ट्रेडिंग में जाएगा, कहाँ जाएगा, कितना का, प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा, जो एक्चुअल लॉस हुआ है 2,000 का, और बैलेंस शीट में कितना जाएगा, वो जो इंश्योरेंस क्लेम मिला है किस साइड जाएगा, ऐसे साइड ना, पैसा मिल रहा है ना मेरे को, तो मिले तो अच्छा बात है, क्लियर, देना होता तो मेरा किस साइड जाता, लायबिलिटी साइड. मैनेजर जो है कमीशन लेगा कितना परसेंट, 5%, है ना, बट ये जिद्दी टाइप का मैनेजर है, कैसा मैनेजर है, बोला है कि हम कमीशन लेंगे तो नेट प्रॉफिट पे, और जब तक हम उसको कमीशन देंगे नहीं तब तक नेट प्रॉफिट हमारा, तो ऐसा लोगों को क्या उपाय किया जाता है बताते हैं, ठीक है चलेगा. यहाँ तक ट्रेडिंग बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, ट्रेडिंग. किसका ट्रेडिंग, क्वेश्चन नंबर 41 का, ये खुल गया ट्रेडिंग अकाउंट. सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, परचेज लिख लोगे, परचेज है, परचेज रिटर्न क्या कर दोगे, माइनस. फिर और कुछ है, वेजेस वगैरह, हाँ. वेजेस है ना, हाँ. कैरेज इनवर्ड है, हाँ. लिख लोगे, हाँ. बाय सेल्स, सेल्स रिटर्न नहीं है शायद,
लॉस ऑफ स्टॉक, लॉस बाय फायर है और बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये इतना आइटम जाएगा। लॉस बाय फायर कितना जाएगा? क्वेश्चन तो इसी में था, लॉस बाय फायर कितना जाएगा? 7000। ओपनिंग स्टॉक कितना है? पुट कर लोगे? पुट करके बनाना शुरू करो। पीएल हो गया, छोड़ दो क्वेश्चन। देखो एक बार, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट आया, एक बार अमाउंट बोलोगे ओपनिंग स्टॉक का? परचेज, रिटर्न 65,000, वेजेस 15,000, सेल्स 1,10,000, क्लोजिंग स्टॉक एड लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट 77,000, 1,80,000, यही ग्रॉस प्रॉफिट 77,000 यहाँ पे आ जाएगा। छोड़ दो, बनाने के लिए दिए थे ना आप, थोड़ा सा देख लो। टू, क्या क्या फिगर है वो देखो, ऊपर से नीचे की तरफ उतरते जाओ, जो जो मिलते जाओ उसको निपटाते जाओ। परचेज हो गया है, गुड्स रिटर्न हो गया है, कैरेज इनवर्ड हो गया है, वेजेस हो गया, सैलरी 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 के साथ ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग। सैलरी कितना दिया हुआ है? 9,000। आउटस्टैंडिंग नीचे देखो, एडजस्टमेंट नंबर टू 11,500। फिर टू, रेंट रेट्स दिया हुआ है 2,800। टू, इंश्योरेंस कितना है? 500। टू, इंटरेस्ट 800। नीचे आओ नीचे आओ, सन्ड्री एक्सपेंसेस 500। उसके बाद एडजस्टमेंट में आओ, बैड डेट हुआ था ना, कितना का? 1,500 का। टू, लॉस बाय फायर कितना? 2,000। चलेगा, एक कहानी सुनाते तुमको। एक ना जिद्दी बच्चा था, क्या था? जिद्दी बच्चा, सुन लो, क्या था? जिद्दी बच्चा था, जिद पकड़ के बैठ गया कि छिपकली खाएंगे। क्या खाएंगे? अबे बैठा है तो बैठा है, किसकी तरह? आशुतोष की तरह। खाएंगे तो छिपकली खाएंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे दुनिया में। जिद पकड़ लिया, माँ बाप समझाया कि ना बेटा नहीं खाना चाहिए, जहर होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है, वो ना खेबे करम चहबे करी, ना देबू तो मर जाएम, खाएम खाएम। तो ले गया एक बाबा के पास, है ना, बाबा समझाएंगे। तो बाबा बोले कि बेटा नहीं खाना चाहिए, ना खेबे करम। जिद पकड़ के बैठा है, खाएंगे खाएंगे खाएंगे, बाबा परेशान हो गए। अल्टीमेटली बाबा थक गए और बोले कि ठीक है, ले आओ छिपकली, इसको खिला दिया जाए। ठीक है, छिपकली पकड़ के लाया गया, छिपकली पकड़ के लाया गया तो बोल रहा है कि भूज के खाएंगे। कहती तो बाबा बोले कि ठीक है ले जाओ इसको, भूज के ले आओ। भूज के आया तो बोल रहा है काट के खाएंगे, काटा गया, बोला कि दो भाग में किया गया, तो बोला पहले आप खाइए तब खाएंगे। बोला पहले आप खाइए तब खाएंगे। जैसे ही बाबा बोले कि ठीक है, ये भी एग्री है, एगो उठा के बाबा खाए, जैसे ही खाए फिर रोने लगा। अब क्या हुआ, अभी हम तो खा लिए, बोले हम जो खाना था वो खा लिए, आप ये वाला आप खाइए। तो वैसे ही टाइप का ये मैनेजर है, बोल रहा है कि इसको कमीशन चाहिए। क्या चाहिए? नेट प्रॉफिट पे। हम बोले कि भाई तुमको हम मैनेजर का कमीशन दे देंगे, जब मेरा खर्चा सारा आ जाएगा पेड कर देंगे, तब जाके मेरा नेट प्रॉफिट आएगा। तुमको कमीशन देंगे नहीं तो मेरा नेट प्रॉफिट? अब वो जीत पकड़ के बैठा है, जब चाहिए तब नेट प्रॉफिट पे ही। किस पे चाहिए? नेट प्रॉफिट। जब तक इसको कमीशन देंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। मानो कि अगर मेरा नेट प्रॉफिट 100 रुपया रहेगा, तब इसका कमीशन कितना होगा? 5 रुपया, क्योंकि इसको 5% कमीशन चाहिए। किसके ऊपर? नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो नेट प्रॉफिट मेरा 100 रहेगा तो ये कितना लेगा?
तो मतलब यहाँ पे मेरे पास कितना रुपया होना चाहिए? 105 रुपया होना चाहिए, तब जाके हम बांट पाएंगे, 5 रुपये इसको दे देंगे और 100 रुपये नेट प्रॉफिट पे आ जाएगा। उसके पैसे की बोल रहा मामी, समझ आया? मैनेजर जीत पकड़ कर बैठा है, क्या चीज़ कि हमको कमीशन चाहिए कितना? 5, लेकिन किस चीज़ का? हम लोग बोल रहे हैं कि तुमको जब तक कमीशन देंगे नहीं तब तक मेरा नेट प्रॉफिट, तो मान लिए कि मेरा नेट प्रॉफिट है 100 रुपया, तो मैनेजर को कमीशन कितना मिलता? तो अगर नेट प्रॉफिट है 100 रुपया तो मैनेजर को कमीशन 5 रुपये मिलता, तो मेरे पास यहाँ पे कितना पैसा होना चाहिए? 105, तब जाके काम बनेगा। इट मीन्स कि यहाँ से ये सारा लेस करने के बाद जो प्रॉफिट आ रहा है वो 105 के बराबर है। कितना के बराबर है? ताकि उसमें से 5% अगर इसको दे दें तो मेरे पास कितना परसेंट बच जाए? 100% बच जाए। बुझते बच्चे की बोला, ये कब करते हैं? जब आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा रहता है तब। कब करते हैं? आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लिखा रहता है तब। देखो यहाँ पे लास्ट में क्या वर्ड बोला है, द मैनेजर इज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसका फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट माने नेट प्रॉफिट कैसे, जोड़ के घटा के, इनटू रेट बाई 100 प्लस रेट। क्या बोले फिर से बोलो? नेट प्रॉफिट इनटू रेट बाई 100 प्लस rate. एक बार कोई बताएगा इसमें से सारा घटाने के बाद कितना बच रहा है? 5 बोलो, 589 पक्का? शायद 57,400, 57400। लेकिन ये 57400 कितना परसेंट के बराबर है? या फॉर्मूला क्या बोले, रेट, रेट हम लोग का कितना था? 5 का। 100 प्लस रेट माने 100 प्लस 5 माने 105 माने 57,400 इंटू 5 डिवाइड बाई 105 2733 आएगा। कितना आएगा? 2733। उससे पहले बोल रहा हूँ तो पॉइंट के बाद नहीं लेंगे, 27333 पूरा कैलकुलेटर भर गया होगा, देन 2733 के बाद पॉइंट होगा, डॉट होगा। क्या होगा? डॉट होगा। ये समझ में आया कैसे किए? 105 ये दोनों को जोड़ के चलेगा, 57400 से 2733 माइनस कर दिए तो मेरा नेट प्रॉफिट आ गया 54667। अब देखो ये मेरा नेट प्रॉफिट आया, इट मीन्स कि मैनेजर को जो कमीशन मिला होगा इसके ऊपर मिला होगा कितना परसेंट? 54667 का 5% निकालो एक बार, देखो उतना ही आएगा जितना कि मेरा आया है। चलेगा यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब इसके बाद क्या बनाओगे तुम लोग? बैलेंस शीट। क्या बनाओगे? बैलेंस शीट। नेट प्रॉफिट ऐड कर दोगे। ध्यान दो, ये जो मैनेजर का कमीशन है ये कब कैलकुलेट किया हम लोग? अभी तो अभी कैलकुलेट किए हैं, तो लास्ट में पता चला है ना मेरे को, तो ये आउटस्टैंडिंग होगा। क्या होगा? और लाइबिलिटी साइड में आएगा। किस साइड में आएगा? लाइबिलिटी साइड में आएगा। पॉज कर दो ऊपर से, बिंदी लगा रही हो, गलती हो गया मेरे से, कह दे रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 का बैलेंस शीट फिर से देख लो एक बार, फिर से ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे और फिर जहाँ जो मिलेगा उसको पटक के वहीं पे रख देंगे। लायबिलिटी अमाउंट, अमाउंट एसेट्स, अमाउंट अमाउंट, परचेज होगा नहीं, गुड्स रिटर्न होगा नहीं, कैरेज होगा नहीं, वेजेस होगा नहीं, सैलरी होगा नहीं, रेंट होगा नहीं, इंश्योरेंस होगा नहीं, इंटरेस्ट होगा नहीं, बैंक, बैंक करेंट एसेट्स में आएगा। कितना रुपया है? 13,700। फिर नीचे आओ, प्लांट है मशीनरी, ये मेरा फिक्स एसेट्स में आएगा। अच्छा इसका डेप्रिसिएशन था क्या? तो ऐसे ही देख के लिख देंगे। कितना का? शांत रहो, हम बता रहे ना कहाँ पे कौन सा आता है। बिल्डिंग 6,000, फर्नीचर 5,000, बिल्स रिसीवेबल कितना था?
45,500, लेकिन बैड डेट तो हुआ था ना, कितना का बैड डेट कितना हुआ था? 1500, तो 44,000। उसके बाद कैश इन हैंड कितना है? कैश इन हैंड उसके नीचे आओ, ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं, सेल्स होगा नहीं, कैपिटल, कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट क्या करते हैं? लेस करते हैं ड्राइंग, अगर है तो है क्या ड्राइंग? तो कैपिटल कितना दिया हुआ है? 76,000। नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना है? 54,667। जोड़ के कितना आया? 1,30,6,7। फिर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल कितना है? 15,800। क्लोजिंग स्टॉक पहला एडजस्टमेंट कितना दिया हुआ है? 65,000 दिखा दिया। फिर नीचे आओ, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग में दो चीज़ है ना, एक सैलरी है एक मैनेजर का कमीशन। सैलरी कितना था? 2,500। कमीशन कितना था? 2,733। यही ना। अच्छा, इंश्योरेंस क्लेम मिला था याद है? कितना का इंश्योरेंस क्लेम एसेट से मेरा? 5,000। सारा एडजस्टमेंट देखो दो जगह हो गया, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह लिख लिए, एक बार ट्रेडिंग में, एक बार बैलेंस शीट में। सैलरी आउटस्टैंडिंग दो जगह कर लिए, बाय डेट दो जगह कर लिए, टुक प्लेस वाला, फायर टुक प्लेस वाला तीन जगह जाता है, तीन जगह कर लिए, और मैनेजर कमीशन दो जगह, दोनों साइड अपने आप क्या हो जाएगा? मैच कर जाएगा। 151,700 उसके हिसाब से। हाँ, हम एक बार फिर भी कंफर्म करेंगे। चलो सही है, करो क्वेश्चन में। हो गया छोड़ दो हो गया। क्वेश्चन नंबर 57। पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सा ट्रेडिंग में जाएगा, कौन कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, और कौन कौन सा सबसे पहले गुडविल, गुडविल कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट, फ्री होल्ड प्रीमिसेस। और टाइप ऑफ बिल्डिंग होता है फ्री होल्ड प्रीमिसेस, क्या होता है? बिल्डिंग है ये, है ना। सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस, डेटर, बैलेंस शीट, स्टॉक ट्रेडिंग, कैपिटल बैलेंस शीट, परचेस ट्रेडिंग, प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट, फर्नीचर एंड फिक्चर बैलेंस शीट, स्टॉक डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट, बिल्स पेबल बैलेंस शीट, वेजेस ट्रेडिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। देखो इसका अमाउंट क्रेडिट साइड दिया हुआ है, तो ये पीएल में जाएगा, क्रेडिट साइड किस में जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, किस साइड? क्रेडिट साइड में। डेबिट में जाता, जो भी चीज़ का आइटम डेबिट में दिया है वो डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट में दिया है, जैसे तुम देखोगे बिल्स पेबल का क्रेडिट में दिया है तो वो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में जाएगा। जो क्रेडिट में होता है या तो लाइबिलिटी में जाएगा या फिर क्रेडिट साइड जाएगा पीएल में। वेजेस हो गया, प्रोविजन हो गया, रिपेयर, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेड चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस, कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग, कैरेज आउटवर्ड, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। क्रेडिटर बैलेंस शीट, कैश इन हैंड बैलेंस शीट, कैश एट बैंक बैलेंस शीट, सेल्स ट्रेडिंग और कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस। नीचे आओ, एडजस्टमेंट, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 31st December 2016 एंड अ बैलेंस शीट दैट डे। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ये दो जगह कहाँ कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। बैड डेट नॉट येट अकाउंटेंट, ये जो बैड डेट दिया हुआ है ना, ये प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में, और डेटर से लेस हो जाएगा। डेटर से क्या हो जाएगा? पहला वाला पॉइंट क्या बोले, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा ये बताओ? ट्रेडिंग में और ट्रेडिंग के किस साइड? क्रेडिट साइड। और बैलेंस शीट के किस साइड? एसेट साइड। दोनों में बैड डेट है, क्या है ये, कहाँ कहाँ जाएगा? पहले तो एक बार पीएल के डेबिट में जाएगा, और बैलेंस शीट में सन्ड्री डेटर से, किससे? सन्ड्री डेटर से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। भैया इससे पहले तो बिल्स रिसीवेबल में लेस किए थे,
उस टाइम स्पेशली मेंशन किया था कि बिल्स रिसीवेबल में बैड डेट हुआ है, किसमें बैड डेट हुआ है, बिल्स रिसीवेबल में, इसलिए वहाँ से लेस किए थे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट PBDD, अब इसका फॉर्मूला ही होता है किसका, PBDD का। ये तो पहले डेबिट साइड जाएगा, कहाँ जाएगा, डेबिट साइड, किसके डेबिट साइड जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेटर माइनस फॉर द बैड डेट इनटू रेट। अब ये जो जो बैड डेट ऊपर दिया हुआ है वो नॉर्मल बैड डेट है, और जो बैड डेट नीचे एडजस्टमेंट में दिया हुआ है वो कौन सा बैड डेट है, फॉर द बैड डेट है। तो तुम देखो ये वाला बैड डेट कहाँ दिया हुआ था, अबे नशा, ऊपर माने ट्रायल बैलेंस, वो जो लंबा सा लाइन जिसमें TPB लिखे वो होता है ट्रायल बैलेंस, उसमें अगर बैड डेट दिया है वो फॉर द बैड डेट नहीं है, वो नॉर्मल बैड डेट है। जो एडजस्टमेंट में, ये सब तो एडजस्टमेंट है, और जो एडजस्टमेंट में बैड डेट दिया ये कौन सा बैड डेट है, फॉर द बैड डेट है। तो एक बार डेटर खोजो तो ऊपर में कितना का है, 3, 4 नंबर पॉइंट 30,000 का, उसमें से फॉर द बैड डेट कितना हो चुका है, वही भाभी को फोन किए बोले कि भैया कहाँ गए, बोले तो पार हो गए क्या हो गए, अबे वही चाचा भैया कुछ भी बोलो ना, रेट क्या है, रेट 5%, क्या चीज 5%। तो 30,000 में से 500 गया, 30,000 में से 500 गया, 29,500 पे 5% मैंने 1475,000 का, 1475 का मेरे को डाउटफुल डेप्ट है, क्या है, कितना का, 1475 कहाँ से आया, 30,000 से माइनस किया कितना 500, और उस पर कितना परसेंट निकाले, 5%। चल बे, तो एक बार तो न्यू PBDD बोल के क्रेडिट में आएगा, डेबिट में जाएगा, किस कहाँ पे, PL में। और एक बार PBDD बोल के लेस होगा, किससे लेस होगा, सन्ड्री डेटर से, किससे, सुंदरी डेटर नहीं, सन्ड्री डेटर, कौन सा डेटर, सन्ड्री डेटर से क्या होगा, लेस होगा, क्या बोल के, न्यू PBDD कितना रुपये लेस होगा, 1475 आएगा, तो फिर बताएंगे। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है कितना परसेंट, 5%, तो 5% निकाल देंगे कैपिटल का इंटरेस्ट, और डेबिट साइड टू साइड में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के लिख देंगे PL में, कहाँ पे, PL में। चैनल में एडजस्टमेंट क्या बोले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन, इसको बोल सकते हैं PL में चार्ज करेंगे डेबिट साइड में, और बैलेंस शीट में कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे, किसके साथ ऐड कर देंगे, किसको ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, और डेप्रिसिएशन को क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन याद है, एक बार PL में चार्ज हो जाता है डेबिट साइड, और एक बार लेस हो जाता है किसके साथ, एसेट्स के साथ, जिस एसेट्स का नाम दिया होगा उस एसेट्स के साथ, एक बार